सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय को और दबाए बेल का आइकन और इसे सेलेक्ट करें ऑल पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रोजमोस पे। दोस्तों इसको इंडिया में कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे इसे 9 o'clock भी कहते हैं, रोजमोस भी कहते हैं और इसे दोपहर बूटी भी कहा जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है कि गर्मी जैसे ही स्टार्टिंग होती है वैसे ही इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग आने शुरू हो जाती है। दोस्तों ये देखिए मेरे पिछले साल के ये प्लांट हैं, गर्मियों में इन पर खूब फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद सर्दियों में ये जो होते हैं कि एकदम से सूख जाता है, बस इसकी जड़ें रह जाती हैं। तो जैसे ही गर्मी का टाइम आता है मार्च अप्रैल में तो ये दोबारा से ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है। तो इसमें दोस्तों कई कलर आते हैं, मेरे पे 2-3 कलर हैं पड़े। ये देखिए ये गुलाबी कलर है वो जिसमें वाइट है, और देखिए इधर भी मैंने लगा रखे हैं और ये देखिए ये वाइट है। तो जब ये 9 जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं 10 बजे तो ये सारे धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इसको लगाना भी बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं आप इसे नर्सरी से ही लेकर आएँ, आप किसी के यहाँ भी चले जाइए और उनसे कटिंग मांग लीजिए, तो उनसे बस ये इस साइज़ की कटिंग ले लीजिए, दिखा देते हैं हम आपको। बस आपको ये देखिए छोटी सी कटिंग लेना है और बस इसके देख सकते हैं आप जो इसके जो पत्ते हैं ये आप हटाइए और इसको देखिए ये हटा दिया आपने। और एक ही कटिंग बहुत होती है, अगर आप एक कटिंग लगा लें तो आपका पूरा गमला जो है कि भर जाएगा। आप इसी को ही कटिंग लगाते रहें तो देखिए इसे 1 से 1.5 इंची से मिट्टी में आप लगा दें और 3 से 4 दिन छाए में रखें, उसके बाद इसे सन धूप में रखें। तो ये देखिए दोस्तों, और इसके जो ये देखिए जो लीव होते हैं इसके, इनमें देखिए पानी होता है, आप देख सकते हैं जैसे इनको हम हाथ से दबा दें तो इनमें से पानी निकलने लगता है। तो दोस्तों इसे कम पानी की ज़रूरत होती है, ये अपना पानी इसी में स्टोर रखता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हैप्पी गार्डनिंग।